ने कहा कि बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, बहुत हार्ड हिटिंग है, तो आपके किरदार के बारे में थोड़ा सा बताइए सर, किस तरह का किरदार निभा रहे हैं? और देखिए, ये फिल्म जो है ये कोर्टरूम ड्रामा है मूलतः, और कहीं ना कहीं इस फिल्म के माध्यम से शेखर जी ने इस कहानी के माध्यम से जो चीज़ सामने रखने की कोशिश की है वो सिर्फ इतनी है कि हम और आप जब एक सिविल सोसाइटी में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उस सिविल सोसाइटी के निर्माण के लिए या उसकी बेहतरी के लिए उपयुक्त तो नहीं होती, और हम और आप जब किसी एक कानून के ज़रिए, संविधान के ज़रिए लोग तैयार नहीं होते क्योंकि पावर का फियर है या जो, और उस कहानी के माध्यम से उस सिस्टम को बताने की कि वो कहाँ कहाँ हमें काम करना है, किन किन पक्षों पर हमें ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारी जो मान्यता है पूरे विश्व में कि भारत जो है वो संस्कृति का देश है, भारत जो है वो संस्कारों का देश है, भारत जो है वो ज्ञान का देश है, जो और इसी के कारण भारत को विश्वगुरु का दर्जा प्राप्त है। तो किसी अन्य देश में अगर कोई इस किस्म के अपराध घटित होते हैं, कहीं पे भी घटित हों, वो निंदनीय हैं, लेकिन जब विश्वगुरु की भूमि पर, जब कहीं परमात्मा की भूमि पर, क्योंकि पूरे विश्व में कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो ईश्वर की जन्म स्थली भारत को माना जाता है कि यहीं पर उन्होंने आपके सामने है फिल्म। सर, जब आपको पहली बार अप्रोच किया गया फिल्म के बारे में, क्या रिएक्शन था आपका? कि कुछ ऐसा हिस्सा था जो आपको नहीं पता था सोसाइटी के बारे में, अगर आप ऐसा कुछ शेयर करना? मैं एक अभिनेता के रूप में, मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि हमारी शुरुआत जो है वो दुश्मन जैसी फिल्म से हुई, फिर हमें संघर्ष जैसे किरदार मिले, फिर हमें राजवन जो बनी हुई थी जिसमें प्रोफेसर अग्निहोत्री या शबनम मौसी जैसे कैरेक्टर हमें करने के लिए मिले, या जो जेपी दत्ता साहब ने एक एलओसी नाम की फिल्म बनाई थी उसमें योगेंद्र सिंह यादव, जिन लोगों को मृत्यु उपरांत परमवीर चक्र वगैरह प्रदान किए गए थे, तो ऐसे किरदार करते रहने के, फिर हम टी शर्मा की दुल्हनिया या हासिल का गौरी शंकर पांडे जो तिग्मांशु धूलिया साहब की फिल्म थी, या मुल्क, सिम्बा, सोन चिड़िया, मिलन टॉकीज, तो एक व्यक्ति के रूप में, एक अभिनेता के रूप में और एक प्रोफेशनल के रूप में हमारी शुरू से पहले तो 9 तारीख सर ऑल सेट, ट्रेंडिंग तो अच्छी है आपकी, टॉप 10 में है, हमारा नहीं आ रहा है, शक्ल भी कितना ही नीचे छुपा के रखे है। नहीं, टैलेंट तो ऊपर के आना ही आना है सर।